सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कृपया वीडियो को एंडिंग तक के देखते रहिए। सो आज की वीडियो में हम एमसीस्टा और उनके कुछ पुराने होमीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आज वो क्यों साथ में नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाईजी और एमसीस्टा की। सो गाइस, आपको वाईजी के बारे में तो बताया होगा, एमसीस्टा के सबसे पुराने होमीज में से एक आते हैं। पर ऐसा क्या हो गया इनके बीच जो अभी ये साथ में नहीं रहते? तो गाइस, मैं आपको अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। हम तो आज के वीडियो में एक बड़ा आर्टिस्ट है, हम तो एक स्टैन है। अरे वाटा क्या, अरे पब्लिक अच्छे दिन जल्दी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे रे मैम। वो अरे वो बोल रहे मैं रे, गॉड गिफ्ट है मैम, छोड़ वाटा। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि वाईजी कितना सपोर्टिव था स्टैन को लेके। जब एमसी स्टैन को हेट मिलने का, तब अकेला बंदा वाईजी है एमसी स्टैन को सपोर्ट करने का। उसके बावजूद भी एमसी स्टैन और वाईजी के बीच मैटर क्यों हो सकता है, आपको रियल रीजन बताता हूं अभी। गाइस, वाईजी का ये मानना है कि एमसी स्टैन ने इसके बहुत सारे गाने चुराए। ये तो अभी मैं नहीं बोल रहा, ये खुद वाईजी ने बोला लाइव आके, आप खुद ही देख लीजिए लाइव। मेरा गाना लिया तो मेरी जली थी ना ब्रो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो नहीं अलग ने भी लिया था मेरा गाना मालूम ना, जलने का काम कर वो भी बस डाले नहीं के पाद रहने के। उसके बारे में मैं फेमस नहीं देना चाहता क्योंकि अब लोग फेमस नहीं बन जाएगा। अब गाइज, मुझे वाईजी के बारे में इतना ही बताया है, और कुछ अंदर की बातें भी हो सकते हैं जो मुझे नहीं पता। सो गाइज, अभी बढ़ते हैं निकेल की तरफ। निकेल को तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छा रैप करता है। ये भी एक एमसीस्टा का सबसे पुराना दोस्त था, पर इनके भी बीच झगड़े हो गए। अब इसका रीजन ये है कि जो निकेल का गाना आया था धनी छोड़ और झवेदे सांग, तो वो निकेल और एमसीस्टा ने लिखा था। और निकेल का ऐसा मानना है कि एमसीस्टा ने उसे बोला था कि वो फीचर करेंगे साथ में, उसके बावजूद भी नहीं कर पाए, इसलिए निकेल गुस्सा हो सकते है। तो अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट रैपर MCTSC के बारे में। सो गाइस, MCTSC भी एमसीस्टा का बहुत पुराना होमी में से एक है। गाइस, इनका एक ट्रिपिन गाना भी आया था, पर MCTSC का मानना है कि एमसीस्टा ने इसका इतनी सी आज गाना भी चोरी किया था। बचपन में सोचा कि मेरा ऐसा बाप फ्यूचर को देख पाऊँ, बोले पैसा छाप दिया लक्ष्य थी मुझे, वो खीरी खीरी वाली बात बोला ना समझू मैं, मेरा बेटा छोड़ो आप जब दिया इतना बाप तो फिर समझ आया, आज अगर ना होती ये पास तो ना होता मैं खास का नक्श, बना कांच के बर्तनों में चांदी का गिलास, ये नकली बबी के नंबर होता मेरा क्लास खास पास की घास की थी घास, चाहिए था एक चांस दिखाने का सिखाने का, इनको जिन्होंने किया कोर्ट पकाने का पका पका के लोगों को थकाने का, करके लपड़े लिखे उसको रैप बताने का गुनहगारी कर।